चक्षु की रसोई में आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी मसालेदार मैगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी 1 बारीक कटा प्याज और इसे भून लेंगे अच्छे से। आंच धीमी रखेंगे और इसे चलाते हुए पका लेंगे सुनहरा होने तक। बीच बीच में इसे चलाते रहें। प्याज अब अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 बारीक कटा टमाटर और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसे ढककर लगभग 2 मिनट पका लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और अब इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही में मैं डालूंगी मैगी मसाला। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मैं 2 पैकेट मैगी बना रही हूँ, इसके लिए हमें चाहिएंगे 4 कप पानी, तो मैं 4 कप पानी डाल लूँगी। अब इसे ढककर उबाल लेंगे। इसमें अब उबाल आ गया है तो अब मैं इसमें डालूंगी मैगी। और इसे भी अब ढककर 2 मिनट पका लेंगे। अब चेक करते हैं, लगभग 5 से 7 मिनट में हमारी मैगी बनके तैयार है। अब इसे सर्व कर लेंगे और गर्मा गर्म मैगी इंजॉय करें। आप मैगी कैसे बनाते हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।